हेलो साइंस लवर्स, साइंस की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। आजकल हम इंस्पायर्ड है जबरदस्त साइंस से, बहुत सी हॉलीवुड मूवीज और कॉमिक्स की वजह से। हाल ही में हमारे पास बहुत से फिक्शनल कॉन्सेप्ट्स हैं मूवीज से, जो अब हकीकत में बदल रहे हैं। तो मेरे क्यूरियस दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कुछ साइंस फिक्शन थिंग्स जो सच में है। तो आराम से बैठे, रिलैक्स होके वीडियो का मजा लें। नंबर 8, मेमोरी एडिटिंग। अगर आपको वो फिल्म याद हो, मैन इन ब्लैक, एक मिनट, आपको याद नहीं हो सकती। न्यूरोलाइजर जो था, एक साइफाई डिवाइस जो मेमोरी को मिटा सकता है या उसे बदल सकता है। कॉन्सेप्ट ये था कि न्यूरोलाइजर से निकलने वाली लाइट ब्रेन के हिप्पोकैम्पस रीजन के न्यूरॉन्स के साथ इंटरैक्ट करती है। लेकिन न्यूरोलॉजिकल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की आधुनिकता का शुक्रिया, अब हम इसको पूरा करने के बहुत करीब हैं। याददाश्त एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपने इस वीडियो को क्लिक किया क्योंकि आप जानते हैं कि TTI चैनल के पास है ग्रेट वीडियोस। ये इन्फॉर्मेशन ट्रिगर करते हैं हमारे ब्रेन के न्यूरोनल सर्किट, और ये प्रक्रिया एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से काम कर पाती है। साइंटिस्ट ने जानबूझकर जानवरों में इस स्पेशल प्रोटीन का प्रोडक्शन बंद करवाया एंटागोनिस्ट ड्रग देके, जिसका नतीजा ये आया कि जानवरों को ड्रग लेने के बाद की घटी चीजों के बारे में बिल्कुल याद नहीं था। इस रिसर्च से साइंटिस्ट ने सच में लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिलीट कर पाने का तरीका ढूंढ निकाला। इसी तरीके को मैनिपुलेट करके साइकोलॉजिस्ट जूलिया शॉ ने यह दिखाया कि किसी को कोई क्राइम याद दिलवा सकते हैं जो उसने किया भी ना हो, और वो भी हर छोटी बड़ी डिटेल के साथ। असली सवाल तो ये है कि क्या होगा अगर ये तरीका किसी गलत हाथ में लग जाए तो। नंबर 7, लाइट सेबर्स। जब बात हो किसी मूवी प्रॉप की, तो सबसे आइकॉनिक सिर्फ एक ही है, द लाइट सेबर। जेडाई और सिथ स्टार वॉर्स की फाइट वाला एक ऐसे वेपन के साथ जो सुंदर साइफाई ट्विस्ट था सामुराई स्वॉर्ड पर, जो चलता था माइंड पावर से। लेकिन क्या स्टार वॉर्स का ये वेपन सच में है? वैसे स्टार वॉर्स साइंस फिक्शन है। हार्वर्ड और MIT के साइंटिस्ट ने बनाया एक ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म जो असली लाइट सेबर्स बनाने के काबिल हो सकता है। लैब के साइंटिस्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो दो फोटॉन्स बनाने में कामयाब रहे हैं, जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके फोटोनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं जैसे उनमें मास हो, लेकिन वो लाइट की प्रॉपर्टीज भी बनाए रखते हैं। ऐसा कर पाने के लिए जरूरी है कि वो सही माहौल बरकरार रखे। फिजिक्स के मुताबिक फोटॉन्स में कोई मास नहीं होता और वो एक दूसरे से इंटरैक्ट भी नहीं करते। इसी वजह से लाइट की दो बीम्स एक दूसरे के आर पार चली जाती है। रही बात लाइट सेबर्स की, तो फोटोनिक मॉलिक्यूल्स का क्रिएशन सच में काफी बड़ी बात है। नंबर 6, आर्टिफिशियल स्पर्म एंड ओवम। क्या आपने कभी कुछ यूनिक बनाने का सोचा? क्यों ना बच्चे बनाए? वैसे 2009 से पहले ये सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन अब बच्चे बन सकते हैं बिना स्पर्म और एग्स के। ये सच्चाई में बदला जब साइंटिस्ट ने चूहों का आर्टिफिशियल एम्ब्रियो बनाया स्टेम सेल्स से। चाइनीज रिसर्चर्स ने चूहे के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को कन्वर्ट किया प्रिमिटिव स्पर्म में, और एग को फर्टिलाइज किया हेल्दी बेबी माइस बनाने के लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा ही एम्ब्रियो इंसानों के लिए भी साल भर में आ सकता है। ये रिसर्च साइंटिस्ट की मदद कर रही है इनफर्टिलिटी और मिसकैरेजेस की जांच करने में। बहुत पहले की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जांच करी, और इसी वजह से भविष्य में नए तरह की रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बन सकेगी। मगर इस तरह के कामों से कई नैतिक सवाल खड़े हो जाते हैं इंसानी जीवन की शुद्धता को लेके, और क्या उन्हें कंट्रोल करना चाहिए या पूरी तरह लैब में बनाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पर एक अंतरराष्ट्रीय कथन तो होना ही चाहिए। लेकिन इस स्टडी का साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर स्वागत किया है। नंबर 5, बैक टू लाइफ। अब साइंटिस्ट को लग रहा है कि शायद उन्हें एक आशा की किरण दिखी है, क्योंकि वो सोचते हैं कि स्टेम सेल्स को रीजेनरेट किया जा सकता है डैमेज्ड ब्रेन को वापस ठीक करने के लिए। US की बायोटेक कंपनीज BioQuirk और Revita Life Sciences का ये रिसर्च हेल्थ वॉचडॉग्स को पसंद आया, और ये इंडिया में जुलाई से शुरू होगा। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ऐसे मरीजों पर टेस्ट करेंगे जो क्लिनिकली किसी ब्रेन इंजरी की वजह से मृत घोषित कर दिए गए हो। साइंटिस्ट कुछ थेरेपीज के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें शामिल है ब्रेन में स्टेम सेल्स को इंजेक्ट करना पेप्टाइड्स के मिक्सचर के साथ,
और तो और लेजर्स और नर्व स्टिमुलेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उन मरीजों को कोमा से बाहर लाया जा सकता है। ब्रेन को मॉनिटर किया जाएगा रीजनरेशन के लक्षण देखने के लिए, खास तौर पर रीढ़ की ऊपरी हिस्से पर, जो सांस लेना और धड़कन को कंट्रोल करता है। नंबर 4, लिक्विड आर्मर सूट। हम सब देख चुके हैं कि आयरन मैन मूवीज में क्या क्या कर सकता है, लेकिन अगस्त 2018 में आयरन मैन सूट एक सच्चाई बनने के करीब होगा। यूएस आर्मी ने बनाया एक अत्याधुनिक मिलिट्री सूट, जिसे लोग बिल्कुल आयरन मैन का हाईटेक आर्मर जैसा कहते हैं। टेलोस एक बैटरी से चलने वाला एक्सोस्केलेटन डिजाइन है, फौजियों की जिंदगी की सुरक्षा के लिए। आयरन मैन के सूट से कंपेयर करें तो टेलोस एक लिक्विड आर्मर है, जो गोली के छूते ही सॉलिड हो जाता है, जो तकनीकी तौर पर ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन इसमें उड़ने की क्षमता नहीं है और ना ही कोई जारबेस। वैसे इसमें हेलमेट टेक है, जिसे अंधेरे में बेहतर दिखाई देता है और बाकी साथियों के साथ बेहतर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्क के सूट की तरह टेलोस में फिट किए गए हैं सेंसर्स, जो सूट के पहनने वाले की हेल्थ को मॉनिटर करेगा, हार्ट रेट से लेकर बॉडी टेम्परेचर तक। नंबर 3, थिनेस्ट होलोग्राम्स। होलोग्राम्स हमारे ख्यालों का हिस्सा तब से है जब से साइंस फिक्शन की शुरुआत हुई थी, लेकिन फिक्शन अब असलियत का रूप ले रहे हैं। RMIT यूनिवर्सिटी और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की साइंटिस्ट की एक टीम ने डिजाइन किया दुनिया का सबसे थिन होलोग्राम, जो एक इंसान के बाल से हजार गुना पतला है, और यूजर इसका मजा ले सकते हैं बिना किसी 3D ग्लासेस या किसी और चीज के। ये तकनीक 3D डिजिटल चीजों को मानो जिंदा कर देती है, चाहे वो ग्लास ट्यूब के अंदर हो या हवा में। 360 डिग्री के व्यूइंग एंगल से लेके फिजिकली बदलते हुए ऑब्जेक्ट्स, 3D होलोग्राम से यूजर हर तरह के कंटेंट से बिल्कुल अलग तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। कहा जाता है कि होलोग्राम्स को रोज की आम चीजों में भी फिट करा जा सकता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स। नंबर 2, इनविजिबिलिटी क्लोक। हैरी पॉटर का अदृश्य चोगा कुछ ऐसा है जिसकी ख्वाहिश बहुत लोगों को होगी, आखिर कौन नहीं चाहेगा। वैसे साइंस की ये कल्पना हकीकत में बदलने के काफी करीब है। साइंस ने ऐसा क्लोकिंग डिवाइस बनाया है जो किसी भी हिलती हुई चीज को अदृश्य कर सकती है। ये कुछ ऐसा था जो सिर्फ साइंस फिक्शन में दिखता था, लेकिन अब न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के रिसर्चर्स ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे असरदार तरीके से किसी भी चीज के आसपास लाइट को बेंड कर सके। इससे वो हिल सकती है लेकिन फिर भी गायब रहेगी। ये ऐसा पहला डिवाइस है जो मल्टी डायरेक्शंस को 3D में कवर कर सकता है, और उन्होंने ये कुछ और नहीं बल्कि 4 स्टैंडर्ड लेंसेज का इस्तेमाल करके किया, जो किसी भी लैब में मिल जाएंगे। नंबर 1, लेजर वेपन्स। US नेवी ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया का पहला लेजर हथियार अब लड़ाई के लिए तैयार है। ये तकनीक मिसाइल्स को रिप्लेस करने की शुरुआत हो सकती है दुश्मनों को बर्बाद करने के इरादे से। ये हथियार लाइट स्पीड से काम करता है, ये तुरंत टकरा के निशाने को तबाह कर सकता है। ये एक आती हुई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से 50,000 गुना तेज है। लेजर वेपन सिस्टम को बनाया गया था ड्रोन्स और शिप्स को हटाने के लिए, और ये भविष्य में मिसाइल डिफेंस की जगह भी ले सकती है। इसमें सटीकता से किसी मैंड वाटरक्राफ्ट का इंजन खराब करने की काबिलियत भी है, और वो भी उसमें बैठे लोगों को चोट पहुंचाए बिना। इस सिस्टम को बिजली से पावर मिलती है और इसे बना के इस्तेमाल करने में किसी भी दूसरे हथियार से कम खर्च आता है। नेवी कहती है कि इस लेजर का एक बार करने का खर्च $1 है। दूसरी तरफ पर्सनल लेजर वेपन्स बनाने का कोई प्लान नहीं है या इंसानों पर हमला करने का, क्योंकि जिनीवा कन्वेंशन, जिसके अंडर लॉ ऑफ वॉर आता है, वहां से इंसानों पर लेजर वेपन के इस्तेमाल पर सख्त मनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कौन सी टेक्नोलॉजी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और मुझे बताएं कि इनमें से कोई टेक्नोलॉजी अगर आपको मिलती है तो आप क्या करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।